हेलो ट्रेडर्स, तो वेलकम स्वागत है आपका आज किस नए वीडियो में। हूँ हर्ष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको एक लंबे प्रॉफिट को कमाने में आपकी मदद करने वाली है। और ये स्ट्रेटजी आपको इतना अच्छा प्रॉफिट देगी और इतने सरल तरीके से देगी भाई कि आप जब इसमें ट्रेड करोगे ना, आपको एक हर एक ट्रेड सेफ ट्रेड मिलने वाली है। मतलब कि ज्यादातर आपको जितने भी ट्रेड्स मिलेंगे एकदम सेफली मिलेंगे, बहुत ही मिनिमम लॉस होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें होने वाला है। अब मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कैसे वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे यूज की है। यहाँ पे मैंने दो EMA आपके सामने लगा रखे हैं, एक ब्लैक वाला है एक ब्लू वाला है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाए हुए हैं, तो ये मार्केट के साथ में चल रहे हैं, ठीक है। मार्केट कभी इनके ऊपर भी जा सकता है, मार्केट कभी इनके नीचे भी आ सकता है, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है मार्केट नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है। हमें सबसे पहले एक चीज पे फोकस करना है कि इनका क्रॉसओवर कब हो रहा है, ठीक है। हमें सबसे पहले एक ही चीज फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों का क्रॉसओवर कहां पर हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, ब्लैक वाला EMA ब्लू वाले EMA को काट रहा है, ठीक है। जब ब्लैक वाला EMA ब्लू वाले EMA के नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब है कि ट्रेंड नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। ट्रेंड नेगेटिव होने वाला है मतलब यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में जाने वाला है, ठीक है। केवल इतना कंफर्मेशन हमें मिलेगा, ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब ये क्रॉसओवर करेगा आप पुट बाई कर लो, ऐसा मैं कुछ भी आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको केवल ये फाइंड आउट करना है कि क्रॉसओवर कब हो रहा है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। अब हमें ट्रेड कब लेना, हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव ट्रेंड हो चुका है लेकिन ट्रेड कब लेना। देखिए बहुत ही धीरे से बहुत ही शांति से आपको बैठ के ट्रेड लेना है क्योंकि हमें सेफ ट्रेड चाहिए, ठीक है। स्कैल्पिंग करनी है एक सेफ ट्रेड में और एक फास्ट में ब्रेकआउट आएगा तो अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए हमें एक स्कैल्पिंग करनी है। रेड कैंडल से ब्रेकआउट करेंगी तो आपको एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है कि भाई ग्रीन कैंडल कब आएगी, मतलब कि यहां पर प्रॉफिट की बुकिंग कब होगी, ठीक है। जो मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है उस मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग मुझे चाहिए, तो यहां पर हुई है इसकी प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है जो मेरे लिए काम करेगी वो स्ट्रेटजी ये है कि इस ग्रीन कैंडल का मैं हाई लो मार्क करूंगा, ठीक है। ये मैंने हाई और लो को यहाँ पे मार्क कर दिया। अब जब इस लो का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, हाई ब्रेकआउट होगा मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हाई ब्रेकआउट हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इसके लो से, क्योंकि मेरा जो ट्रेंड है वो मुझे बताया EMA ने कि ये ट्रेंड डाउन हो चुका है, ठीक है। मेरी ट्रेड तब बनेगी जब ये ट्रेंड डाउन होगा, मुझे चाहिए डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल। जब इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट होगा मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर सेलर्स इतने आए हैं जो चाहते हैं इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना, ठीक है। जो ट्रेंड अभी अभी चेंज हुआ है नेगेटिव साइड में, उस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं कि भाई हम इसको और भी नीचे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे मैं एक यहाँ पे पुट को बाई करूंगा, ठीक है। ब्रेकआउट पे मैं एक पुट को बाई करूंगा। स्टॉप लॉस भाई मैं कम से कम थोड़ा सा आपको बड़ा रखना, ठीक है। स्कैल्पिंग आपको करनी है तो आप इतना स्टॉप लॉस लगाइए और इतना टारगेट रखिए, ठीक है। ये कितना मिल गया आपको, 1:1, ठीक है। इसको कहते हैं 1:1, स्कैल्पिंग में 1:1 अगर मिल रहा है ले लो, ठीक है। मैं आपके स्कैल्पिंग की तरह बता रहा हूँ, अगर आप इतने प्रॉफिट में खुश हैं ना, ये आपको 1:1 मिल गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ आपको 1:1 नहीं, आपको कुछ और मिले, ठीक है। आपको इतना प्रॉफिट मिले कि आप लोग कहें कि हाँ भाई किसी ने कोई स्ट्रेटजी मुझे बताई है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलते हैं ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नीचे हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट आपको देखा, मार्केट ऊपर निकल गया, लेकिन EMA आपके साथ में चल रहे हैं, मतलब कि ट्रेंड आपके साथ में चल रहा है, ठीक है। तो EMA के ऊपर, ठीक है, EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज अगर करती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है ये नीचे क्लोज हुई है ना कि ऊपर, ठीक है। अगर EMA के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है ना तो आप अपना स्टॉप लॉस देना, उस क्लोजिंग के बाद भी थोड़ा सा ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिखे, ठीक है। ये जो दोनों EMA हैं ये आपके टारगेट भी हैं, ये आपके स्टॉप लॉस भी हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करती है स्टॉप लॉस दे दो, ठीक है। टारगेट कैसे, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रही है आपका टारगेट आ गया, ठीक है। एंट्री वहां पे लो, टारगेट यहाँ पे लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक टेस्टिंग। ये था पुट साइड का ट्रेड, मैं आपको कॉल साइड का दिखाऊं। कॉल साइड में देखिए जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट क्या करेगा, मैं कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ EMA का, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हुआ है ब्रेकआउट EMA का, ये हुआ है EMA का ब्रेकआउट, ठीक है। EMA जब ब्रेकआउट करता है तो मार्केट भी ब्रेकआउट करेगा EMA को, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रेड कैंडल, ठीक, ये आपकी आ गई रेड कैंडल, ठीक है। अब रेड कैंडल के बाद मुझे क्या चाहिए, रेड कैंडल के बाद चाहिए मुझे रेड कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में, क्योंकि मैं कॉल बाय करूंगा। मेरा जो ट्रेंड है मुझे क्या पता चला है, यहाँ पर ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, मैं रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लूंगा। और जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है या फिर हम एक स्विंग के हिसाब से देखिए, हर जगह पर एक जैसा स्टॉप लॉस कभी नहीं मिलेगा सर, तो या तो आप प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाइए या फिर आपके साथ में EMA चल रहे हैं तो EMA का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सिचुएशन क्या है कि अगर प्रीवियस में कोई नजदीकी मेरे पास में कोई स्विंग है जैसे कि ये है, तो मैं स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट मेरा ऊपर यहां तक आ चुका है तो मैं स्टॉप लॉस यहां तक लेके आऊंगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो लॉन्ग में आपको मैं बताऊं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि जब तक आपको पहला ट्रेड मिलता है, ठीक है, पहला ट्रेड मुझे मिल गया यहां पर, यहां पर मैंने एक एंट्री ले ली,
और स्टॉप लॉस रखूंगा मैं जब ईएमए अगेन क्रॉसओवर करेंगे, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं एक लंबा टारगेट, ठीक है, लंबे प्रॉफिट के लिए लंबा टारगेट। तो लंबे टारगेट के लिए आपको क्या चाहिए, क्रॉसओवर के बाद रेड कैंडल पे एंट्री, ठीक है, और क्रॉसओवर पर ही आपका टारगेट, ठीक है। कितना बड़ा टारगेट मिला है, प्रॉफिट को आप देखिए कि कितना प्रॉफिट आपको मिला है यहाँ पर। ये लंबे ट्रेंड्स को आपको मैं राइड करने का हिसाब आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। आपको और भी मैं दिखाता हूँ ताकि आपकी समझ में आए, आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर मिला मुझे एक ब्रेकआउट, ठीक है। ये मुझे ब्रेकआउट मिल गया, ये मुझे मिल गई मेरी रेड कैंडल, ठीक है, ये मुझे मिल गई रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल का हाई मैंने मार्क किया तो यहाँ पर मुझे एक कॉल साइड में एंट्री मिल गई, ठीक है। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी है सर, क्योंकि हर कोई बिगनर हो या कोई भी हो उसे होल्ड नहीं कर पाएगा इसे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे करता हुआ देखा, यहाँ पर नीचे कर रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं कर रहा है, ट्रेंड आपके साथ में है, ठीक है, ट्रेंड आपके साथ में। यहाँ पर मैंने कॉल को होल्ड किया, मैं होल्ड कब तक करूंगा, होल्ड में तब तक करूंगा जब तक ये ईएमए क्रॉसओवर नहीं देता। यहाँ पर आपको क्रॉसओवर मिला है, ठीक है, वो भी क्रॉसओवर जल्दी हो गया, वरना ट्रेंड तो और भी ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन पहला क्रॉसओवर मुझे यहाँ पर मिल रहा है ना, तो यहीं पर मैं अपना एग्जिट करूंगा। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि यहां से मार्केट धीरे 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 कितना बड़ा इसने ट्रेंड को राइड किया, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऐसे करके ये दे सकती है स्ट्रेटजी, ठीक है। और लंबे प्रॉफिट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर आपको मैं दिखाऊं कि कहां से आपको कितना प्रॉफिट मिला है। यहां पर आप देखिए कि यहां पर मिला है एक क्रॉसओवर मुझे, ठीक है, ये यहां पर मुझे क्रॉसओवर मिल गया, ठीक है, ईएमए ने यहां पे क्रॉसओवर दे दिया। यहां पर मिली है मुझे एक अपनी ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल के लो के ब्रेकआउट पे ही मैं अपना एक पुट बाय करूंगा, ठीक है, 46,060 पे, ठीक है। यहां पे प्राइस क्या चल रहा है, 46,060 का, ठीक है। अब मैं चलता हूं, यहां पर मुझे टारगेट कितना मिला है, मैं टारगेट लेने जा रहा हूं जब ये क्रॉसओवर करेगा आपस में, ठीक है, जब क्रॉसओवर होगा। क्रॉसओवर कहां पे हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको क्रॉसओवर कहते हो तो ये भी यहाँ पे 300 पॉइंट है, लेकिन ये क्रॉसओवर नहीं हुआ है। यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है, अगले दिन यहाँ पे मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, तो यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ ही नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे देखें ना, ट्रेंड को राइड करने के लिए ये स्ट्रेटजी मैं आपको बोल रहा हूँ सर, क्रॉसओवर पे बाई करो और क्रॉसओवर पे ही सेल करो। लेकिन बाई करने का तरीका क्या है, आपको रेड या ग्रीन कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको दूसरा वाला क्रॉसओवर मिला तो यहाँ तक 40,000 से 46,300 700 पॉइंट की मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं। ना तो आपको साइडवेज से डरना है, ना ही ट्रेंड से डरना है, ट्रेंड आपके साथ में है क्योंकि मूविंग एवरेज आपके साथ में है, ठीक है। लेकिन कुछ भाई यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो भाई स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे ब्रोकरेज चार्ज से। तो ब्रोकरेज चार्ज से बचने के लिए मैं यूज करता हूँ एमस्टॉक। एमस्टॉक एक ऐसा ब्रोकर है सर जो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फ्री ब्रोकरेज का मतलब है कि आपको ना तो ब्रोकरेज चार्ज देना है, ना ही आपको कोई अदर चार्जेस देने, ना ही आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना है, कुछ भी नहीं देना है, केवल आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है। ब्रोकरेज के साथ में आपको कई सारी सुविधाएं भी दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, ई मार्जिन 7% का, ठीक है, 80% से ज्यादा फंडिंग दे रहा है 700 से ज्यादा स्टॉक्स में। और ये ब्रोकरेज चार्ज कौन कौन सी चीज में देगा आपको, स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का, एक क्लिक में ही आपको ऑर्डर प्लेसमेंट की यहाँ पे सर्विस मिल रही है। करेंसी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में और आईपीओज में भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, मतलब कि जीवन भर के लिए आपको कोई भी अदर चार्जेस नहीं देने, कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं है जो छिपे हुए हैं। जीरो ब्रोकरेज है किस किस चीज में, फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, फ्री फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्री करेंसी ट्रेडिंग, फ्री म्यूचुअल फंड्स, फ्री आईपीओज, फ्री ई मार्जिन फैसिलिटी। कोई भी ऑर्डर लिमिट नहीं है, कोई एक्सपायरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको, आपको केवल इसमें अकाउंट ओपन कराना है। यहाँ पर इसके बारे में अगर हम देखें तो 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है इसका। एमटीएफ की बात करें तो 350 करोड़ से ज्यादा का एमटीएफ बुक किया इसने, 15 करोड़ से ज्यादा ट्रेड हो चुके हैं, 72 करोड़ से ज्यादा ये पिछले 3 महीने में ब्रोकरेज को बचा चुका है, मतलब कि फ्री ब्रोकरेज की वजह से 72 करोड़, ठीक है। 4 स्टार की रेटिंग है ऐप की और 1,320 करोड़ से ज्यादा रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है, क्लाइंट्स की होल्डिंग है 1,320 करोड़ से ज्यादा, देख सकते हैं। सिर्फ एक साल का ये, प्रीवियस एक साल का 3 लाख से ज्यादा पेड अकाउंट्स है। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको ऑप्शंस में, इंट्राडे में, फ्यूचर्स, डिलीवरी, करेंसी, कहीं भी जाइए फ्री ब्रोकरेज आपको मिल रहा है, ठीक है। प्राइसिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ 999 रुपए का इसमें अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा आपको, और 999 का अकाउंट ओपन कराने के बाद इसमें 1 रुपए का भी आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा पूरे जीवन भर, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। अगर आप इसमें 999 में अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो पहले ये 149 में ओपन होता था, लेकिन अब ये 0 कर दिया, मतलब फ्री में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन आपको ब्रोकरेज फ्री नहीं मिलेगा इस फ्री वाले अकाउंट में। आपको फ्री में ब्रोकरेज आपको मिलेगा डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओज में, और इसमें जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको लगेगा ये 20 रुपए पर ट्रेड, आपको ये इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड करेंसी में लगने वाला है।
और एक बार में आप 999 रुपए देकर जीवन भर के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो फ्री में अकाउंट ओपन यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप जीवन भर के लिए ब्रोकरेज फ्री होना चाहते हैं तो आप 999 का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोनों ही चीजें आपको दे रहा है। ठीक है, जीरो ब्रोकरेज वाले में चार्जेस में अगर हम देखें ना, तो डिलीवरी, फ्यूचर, ETF, MTF, ऑप्शंस, करेंसी, म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, सब कुछ जीरो है। ठीक है, और बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर देखें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, FII कैश फ्लो, DII कैश फ्लो, नेट फ्लो, FII, DII, सब कुछ है। ग्लोबल इंडाइसेज है, मतलब कि डाउ जोन्स है, नेस्टेक है, S&P है। यहाँ पर पूरा डाटा आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है वन क्लिक में। आप यहाँ पर वॉचलिस्ट का ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, यहाँ पर वन क्लिक में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं पर भी आप इसमें वन क्लिक पर बाय या सेल कर सकते हैं। और नीचे आपको पॉपुलर स्टॉक्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी आपको दे रहा है। चार्ट की बात करें तो चार्ट भी इसमें बहुत ही स्मूथ चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो चार्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये एम स्टॉक का ही चार्ट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और बहुत ही स्मूथ चल रहा है और बहुत अच्छे से ये वर्क भी कर रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखी है, वहां से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग 999 रुपये में कराएंगे तो आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप देखिए 1,000, 2,000, 4,000 रुपये का ब्रोकरेज मैं डेली दे देता हूँ सर। ठीक है, थोड़ा सा मैं ग्रो कर चुका हूँ तो थोड़ा सा लॉट साइज में बढ़ाता हूँ, तो 1,000, 2,000 का ब्रोकरेज चार्ज रोजाना बनता है। लेकिन जब मैं एम स्टॉक यूज करता हूँ तो मेरा ब्रोकरेज चार्ज बच रहा है कम से कम। ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो या ना हो, लेकिन मेरा ब्रोकरेज चार्ज बच रहा है। तो 999 में अकाउंट ओपन कराने से आपका जीरो ब्रोकरेज बच रहा है। अगर आप इसमें अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते तो फ्री में अकाउंट ओपन करा के इसमें डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और IPO में भी जीरो ब्रोकरेज मिल रहा है, तो यहां पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल रखी है, वहां से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है सर, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, सब कुछ मैंने आपको इजीली समझाने की भी कोशिश की है। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे भाई EMA तो बताया ही नहीं है सर। EMA मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक 9 EMA है, एक 20 EMA। ठीक है, सिंपल EMA है, इनको यूज करना भी बहुत सिंपल है, कोई सेटिंग इसमें छेड़नी नहीं है। ठीक है, आपको इंडिकेटर्स के ऑप्शन में जाना है, इंडिकेटर्स में जाके आपको सर्च कर देना बस EMA। ठीक है, EMA, ठीक है, इतना डालना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे दो बार क्लिक करेंगे दो EMA लग जाएंगे। सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, किसी एक EMA की सेटिंग में जाकर आपको, किसी एक EMA की सेटिंग में जाकर आपको 9 को हटाकर 20 कर देना। ठीक है, एक 9 का रह जाएगा, एक 20 का रह जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, क्रॉसओवर होने के बाद ग्रीन कैंडल दिख रही है। ठीक है, नीचे की साइड में क्रॉसओवर होने के बाद ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो आपको पुट बाई करना है और तब तक होल्ड करना है सर, तब तक होल्ड करना है जब तक आपको दूसरा क्रॉसओवर नहीं दिख रहा। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करके देखिए, कहीं भी आपको मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस होता नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर ऊपर हुआ, रेड कैंडल मिल गई, रेड कैंडल के ऊपर मैंने एक कॉल को बाई कर लिया और मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक मुझे दूसरा क्रॉसओवर नहीं दिखता। ठीक है, अगर मैं यहां तक कॉल को बाई करता हूं, यहां पर बाई करके 45,900 पे अगर मैं यहां पे कॉल को बाई करता हूं और एग्जिट करता हूं मैं क्रॉसओवर पे, तो 46,200, तो मुझे कुछ 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझे क्रॉसओवर मिल गया, रेड कैंडल ब्रेकआउट पर मैं कॉल बाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं यहां पे कॉल बाई करता हूं तो मार्केट धीरे धीरे प्रॉफिट भी देगा, धीरे धीरे लॉस भी देगा, तो ऑल ओवर मैं नेट नेट यहां पर इस क्रॉसओवर पर यहां पे निकल सकता हूं। ठीक है, मतलब कि लॉस बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट मिलेगा तो वो बहुत बड़ा मिलने वाला है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है सर, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है, बाकी आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, पेपर ट्रेड करके देख लीजिए। क्रॉसओवर पे अगर मैं यहाँ पे पुट बाय करता हूँ, क्रॉसओवर तक होल्ड करता हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब मुझे एक अच्छा प्रॉफिट यहां तक मिल रहा है, ठीक है, तो यहां तक होल्ड क्यों करूं मैं। ठीक है, यहां पर ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, कुछ पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो यहां से मैं निकल सकता हूं। तो वो आपके ऊपर है कि अपने प्रॉफिट को आप किस तरह से बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो प्रॉफिट को बचाने के लिए मैं एक और नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप जल्दी से प्रॉफिट बुक करें और लॉस को होल्ड ना करें। लेकिन आपको कमेंट में लिखकर मुझे बताना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आप चाहते हैं। देखिए, मुझे पता ही नहीं चलेगा जब आप बताएंगे नहीं, तो भाई मैं तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ देता रहूंगा। ठीक है, तो हर जगह पे ट्रेड ये आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो यहाँ पे भी पुट बाय नहीं करूंगा। ब्रेकआउट ऊपर की ओर हुआ तो यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर ब्रेकआउट नीचे हुआ, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट नीचे नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूंगा। तो इन ट्रेड से कौन बचा रहा है आपको? रेड और ग्रीन कैंडल। ठीक है, बाकी अगर मैं रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की स्ट्रेटजी आपको नहीं बताऊं तो आप यहाँ पे हर जगह पर ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे, तो यहां पर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी सर। ठीक है, तो स्ट्रेटजी काम वहीं पे करेगी जब एक बड़ा ट्रेंड आने वाला होगा। ठीक है, यहां पर देखिए ब्रेकआउट हो गया, क्रॉसओवर हो गया, रेड कैंडल आ गई, ब्रेकआउट पे अगर मैं कॉल बाय करूं तो यहां तक मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बाकी अगर इस प्रॉफिट को मैं होल्ड करूंगा तो यहां पर मैं नेट टू नेट यहां पे निकल जाऊंगा, लॉस भी नहीं होगा। तो वह आपके ऊपर है कि आप कितना होल्ड उसे कर सकते हैं सर। यहां पर देखिए, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नीचे नहीं हुआ तो मैं एक पुट को बाय नहीं कर सकता सर।
ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं। बाकी एमस्टॉक मैंने आपको बता दिया, एमस्टॉक में अकाउंट ओपन करने पर आपका ब्रोकरेज चार्ज जीरो हो जाएगा, और जीरो ब्रोकरेज के साथ में आप अपने ब्रोकरेज चार्ज को बचाकर भी छोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है, वहां से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से शायद आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.